الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتمه النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي المكرمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया चल चलाओ का एक नाम है। ये दुनिया में बहुत सारे हमसे पहले आए और बहुत सारे चले गए। आज हम ये समझते हैं कि हम इस दुनिया में हैं, कल हम नहीं होंगे और हमारे बाद की नस्ल इस दुनिया में पले। तो ये दुनिया नाम ही है चल चलाओ का, ये ठहरने वाली चीज नहीं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को एक मौका और एक वक्त देकर मुतय्यन भेजा है, लेकिन चूंकि जाने का वक्त किसी को मुतय्यना बताया नहीं है कि कब जाना है, इसलिए नहीं बताया है। और इसकी हिकमतें ये हैं कि आदमी हमेशा जो है वो तैयारी में लगा रहे कि पता नहीं कब टिकट कट जाएगा। एक तो ये कि आदमी का पहले से टिकट कटा हुआ है, रिजर्वेशन मौजूद है, तो उसको पता है कि फलान तारीख को इतने बजे का और इतनी मिनट पर हमारा यहाँ से फ्लाइट चलेगा और वहाँ उतरेगा, तो अपनी तमाम तैयारियों के साथ रहता है। लेकिन जाने का किसी का वक्त अल्लाह ने मुतय्यना बताया नहीं है कि कौन कब इस दुनिया से जाएगा। किसी का अल्लाह ने अभी टिकट जो है वो तारीख के साथ तय किया, लेकिन उसको बताया नहीं। इसलिए नहीं बताया ताकि वो हमेशा जो है वो कोशिश में लगा रहे कि कब वहां से घंटी बजे और मुझे जाना पड़ जाए। आपने फार्म भर दिया या एप्लीकेशन दे दी फलान एमडीसी के अंदर, तो हमातन मुतवज्जे होता है इंसान के कब एमडीसी से बुलावा आ जाएगा पता नहीं, और कहा कि जब बुलाया जाएगा उस वक्त वहां जाकर खड़े रहना पड़ेगा। तो ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं है कि कब इसको इस दुनिया से जाना है। जाना है ये बात यकीनी है, एक दफा सफर कर रहा था, एक डहरिये से मुलाकात हो गई, तो उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप मानते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी चीजें बनाई है, तो अल्लाह नजर तो आते नहीं।
मैंने कहा कि आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं, दुनिया में हजारों करोड़ों चीज ऐसी है कि जिसको बगैर देखे हम मानते हैं। उसने कहा कैसे? मैंने कहा मिसाल मैं दूंगा आपको। मैंने कहा एक मिसाल तो ये ले लो कि आदमी का हाथ हरकत करता है, पैर चलता है, आंखें देखती है, दिमाग काम करता है। तो कहा कि इसके ही वजह से आप ये समझते हैं कि ये इंसान जिंदा है। रूह आपने कभी देखी है? कहा मैंने नहीं देखी। मैंने कहा रूह को हमने देखा नहीं है लेकिन हम तस्लीम करते हैं। हाँ हाँ तस्लीम तो करते हैं। मैंने कहा लेकिन ऐसे ही हम तस्लीम नहीं करते, इसके इशारे से और इसके कुछ हालात को देखकर हम तस्लीम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक जंगल से आप गुजर रहे हैं और तजर्बाकार आदमी वहां से गुजर रहा है तो वो देखता है कि कुछ मैनमिया पड़ी है और दरख्त के एक हिस्से को जो है वो खाया गया है, एक तरफ चला गया है। तो ये इशारा और ये बातें निशानदही करती है कि कोई ऊंट यहां से गुजरा है, इसलिए कि ऊंट की लीद मौजूद है और लगता है कि ये चलने वाला ऊंट एक आंख से अंधा होगा, नतीजे में उसने एक तरफ का जो है वो खाना खाया है। मानते हो नहीं मानते? उसने कहा मानता हूं। मैंने कहा इसकी निशानी से हम मानते हैं कि ऊंट यहां से गुजरा है। जंगल में एक जो है बेहतरीन मकान बना हुआ है, हमने तो नहीं देखा कि इसके मकान को किसने बनाया, आर्किटेक्चर कौन था, बनाने वाला कौन था, लेकिन निशानी से हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि इसको किसी ने बनाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बगैर देखे निशानी से तस्लीम करते हैं। तो मैंने कहा कि जमीन का और आसमान का, सूरज का और चांद का निजाम जो है उसको देखकर आपको अपने खुदा को पहचानना चाहिए कि जरूर इसका कोई बनाने वाला है और पैदा करने वाला है जिसने इसको इतने अंदाजे से और तखमीने से चलाया है। खैर ये तो बीच में बात आ गई, लेकिन कहा कि इंसान आया जरूर है, जाने का टिकट भी उसका मौजूद है, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसका बुलावा कब आने वाला है। तो कहा कि जाना भी हर एक को है। अब हमावक्त आदमी को तैयार रहना चाहिए और मुस्तैद रहना चाहिए कि मुझे एक घड़ी में इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ चलना है। जब दुनिया को छोड़कर चलना है और आखिरत की तरफ जाना है और हमेशा हमेशा वहां रहना है तो कहा कि मुझे तैयारी भी वहां हमेशा हमेशा की करना है। भाई रुपया है, पैसा है, आप कहेंगे मौली साहब तो हम इसको क्या करें, जला देवे, फेंक देवे? मैंने कहा ऐसा भी नहीं है। असल में अपनी जात पर खर्च करना ऐसा है मेरे नजदीक जैसे किराए के मकान पर खर्चा करना। भाई किराए का मकान है, दरवाजे की कुंडी टूट गई तो आदमी क्या करता है? कुंडी ठीक कराता है, पूरा दरवाजा नहीं लगाता। एकाध टाइल्स टूट गई तो कहा कि उसको रिपेयर करवाता है।
एकाध जगह से थोड़ा सा प्लास्टर निकल गया तो उसको रिपेयर करवाता है, लेकिन पूरी दीवार नहीं बनवाता। क्यों? कहा उसको पता है कि ये किराए का मकान है, आज नहीं तो कल इसको खाली कर देना है। तो दुनिया के इंसानों, हम इतने तो अकलमंद हैं कि हम अपने किराए के मकान पर खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, उसको रिपेयर करवाते हैं, उसको बनवाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये माल और दौलत जो अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है, ये अपनी जात पर खर्च करना ऐसा है जैसे किराए के मकान पर खर्च करना। ये तो किराए का है, मेरा और आपका अपनी जान और माल पर कोई इख्तियार नहीं चल सकता। अगर मेरा इख्तियार मेरे माल और खजाने पर भी चलता तो कहा कि इंसान कभी उसे चोरी नहीं होने देता, कभी जाये नहीं होने देता, कभी उसको नुकसान में नहीं जाने देता। मेरी जान पर और मेरी जात पर मेरा इख्तियार होता, मैं अपने बालों को कभी सफेद होने नहीं देता, मैं अपनी जवानी को कभी जाये होकर बुढ़ापा आने नहीं देता। पता चला इंसानों कि ये दुनिया चाल चलाव है और ये दुनिया जो है वो मुसाफिर खाना है, इसमें एक आता है एक जाता है, इसमें कोई रुकने के लिए नहीं आया। लेकिन अफसोस सद अफसोस है, क्या जिक्र करने वाला, क्या नमाजें पढ़ने वाला, क्या रोजे रखने वाला, हर एक का नजरिया ये है माल होगा तो जिंदगी बनेगी, दुनिया होगी तो जिंदगी बनेगी। हालांकि ये फासिक नजरिया है, फासिक नजरिया है और काफिराना मिजाज है। हमारा नजरिया तो ये होना चाहिए जितनी दीन पर मेहनत की जाएगी, जितनी ईमान पर मेहनत की जाएगी, उतना ईमान बनेगा और बने हुए ईमान के साथ जब आमाल आसमान पर जाएंगे तो उफ्फतों के, भाईचारगी के, रहम के, करम के दरवाजों को खोलेंगे। लेकिन हम सब की मेहनत का मैदान एक बना हुआ है कि दुनिया को हासिल करो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हमने ऐसे लोगों को देखा है, हमने ऐसे लोगों की ज़ियारत की है जिनके नजदीक ये दुनिया इतनी गलीज थी जैसा कि तुम्हारे जूतों के अंदर मट्टी लगी रहती है, इतनी गलीज थी। मुझे मुमशाद दिनवरी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा याद आया। चंद नौजवान गुजर रहे थे, अपने दुनियावी काम के लिए जा रहे थे। मुमशाद दिनवरी रहमतुल्लाह अलैह भी गुजर रहे थे, या गालिबन कोई और बुजुर्ग रहे होंगे, मुझे नाम इस वक्त पक्का जहन में नहीं आ रहा है, बहुत सालों पहले किसी जगह पढ़ा था। तो वो नौजवानों ने उन बुजुर्ग को देखा, अल्लाह वाले पर नजर पड़ी नाम, अल्लाह याद आ गया जिसके दिल में ईमान था। एक नौजवान को अल्लाह याद आ गया, उसने कहा कि मुझे दीन के साथ रहना चाहिए, सोहबत इख्तियार करनी चाहिए अल्लाह वाले की। वो तीन चार नौजवान कहने लगे, हम चल रहे हैं, तू क्या कर रहा है? कहा, तुमको जाना हो तो जाइए, अपना कारोबार कीजिए, मैं तो ये अल्लाह वाले के पास चला जाता हूं, नजर नहीं आता। भाई हम अल्लाह वाले बन जाएंगे, हम अल्लाह अल्लाह करने लग जाएंगे तो हमारे गल्ले का क्या होगा, नजर नहीं आता। अल्लाह बहुत देंगे, इतना देंगे कि गिन नहीं पाएंगे, बहुत देंगे अल्लाह।
निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के फकीर बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन ये फकीर नहीं जो मांगने वाले हैं, फासे फाका करने वाले, कौत से कनात करने वाले, या से याद इलाही में मशगूल रहने वाले और रौ से रियाजात करने वाले, ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं। बादशाह है वक्त के शहजादे आपके दस्तरखान पर खाना खाते थे, रोजाना आपकी खानका के अंदर जो है वो इतना पकता था कि प्याज और लहसुन के छिलके 16 मन निकला करते थे, इतने तो छिलके निकलते थे। और बादशाह वक्त के बेटे आपके दस्तरखान पर खाना खाते थे। एक मरतबा बादशाह सलामत पहुंचा, हजरत वजू कर रहे थे, उसने कुछ नजराना कुछ हदिया पेश किया अल्लाह वाले के पास, तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। तो उसने कहा जिसके पास माल होता है वो एड़ा होता है, हाँ उसके दिमाग में भूसा होता है। वो कहने लगा तकब्बुरन कि हम ही हैं जो लाख दे रहे हैं। हजरत ने कहा हम ही हैं जो लाख को लाख मार रहे हैं। देखना चाहता है, देखेगा हमारे पास क्या दौलत है, आज दिखा दूं, उसके बाद आके हौज में नजर डाल। जब हौज में उसने नजर डाली तो अंदर से हीरे और जवाहरात कह रहे थे, ये तो लालचू था, एकदम पकड़ने गया तो गायब हो गया। अभी अल्लाह वाले पर नजर पड़ी, इसने कहा मुझे अल्लाह वाले के पास रहना है। वो दूसरे तीन चार दोस्त आगे को चलने लगे अपने कारोबार के लिए, ये उस अल्लाह वाले के पास बैठ गया, उसकी सोहबत में रहने लगा। सोहबत का दीन बड़ा मजबूत होता है। सहाबा सहाबी को सहाबी कहते इसलिए, एक आदमी जिसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक मिनट के लिए सोहबत पाली और कहा ईमान की हालत में हुजूर की ज़ियारत कर ली, हुजूर की सोहबत पाली और ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, तो वो सहाबी है। अब सारी दुनिया के कुतुब और सारी दुनिया के अबदाल और सारी दुनिया के जो है वो अवलिया अल्लाह मिलकर उस एक सहाबी के पैरों की धूल तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? उन्होंने बराए रास्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई। सहाबी का इसलिए मकाम है कि आपने सहाबा ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत को उठाया। जिस नबी के 1400 साल के बाद भी आज उस नबी की पैरवी हम करने लग जाए तो कहा कि आज हम दुनिया में महबूब बन सकते हैं। इसलिए शायर कहता है उसे मिल ही नहीं सकता कभी तौहीद का जाम जिसकी नजरों से पोशीदा रिसालत का मकाम। हुजूर के मकाम को अगर हम नहीं जानते तो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, ए नबी जी कह दीजिए अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते तो मुझसे मोहब्बत करो, मेरी इत्तेबा करो। अगर हुजूर की इत्तेबा में और मोहब्बत में हम काबिल नहीं तो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने बहुत मुजाहदे किए, अगर पहले ही ये बात मालूम हो जाती तो मैं कभी इतने मुजाहदे नहीं करता। कहा कि ये बात मुझे बाद में पता चली कि जो है वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक एक हफ्ता अगर कोई जिंदगी गुजार ले तो वो महबूब बन जाता है। ये रशीद अहमद गंगोही का कौल है। हमसे तो हुजूर पर दुरूद भी नहीं भेजा जाता, हालांकि
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ रहे थे मिंबर पर, तशरीफ फरमाओ रहे थे, जीने पर कदम रखा ना आमीन का हलाक और बर्बाद हो जाइए वो शख्स जिसके सामने सरकार का नाम नामी आ जाए। कंजूस जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कह सकता, इससे बड़ा कंजूस कौन होगा। कंजूसों की बहुत बड़ी दुनिया है, इसलिए जो है वो हुजूर का नाम आए तो कम से कम हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, बल्कि रोजाना रात में कम से कम आदमी जो है वो तसव्वुर में मदीने में चला जाए और कहा कि ये तसव्वुर करे कि मैं सरकार के रोजे के सामने हूँ, ये नहीं कि सरकार यहाँ है, नहीं, ये बेअदबी है, हम सरकार के रोजे पर है और ये तसव्वुर के साथ हम सरकार पर जो है वो दुरूद पाक भेजे। तो कहा कि चंद दिनों के अंदर जो है अल्लाह ताला वो रूहानियत और वो नूरानियत अता फरमाएंगे। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कहता हूं, अगर जो है वो हम मुझे और आपको दुरूद के खजाने का इल्म हो जाए कि दुरूद में क्या चीजें छिपा कर अल्लाह ने रखी है, तो अल्लाह की कसम कहा कि हम दुनिया की चीजों को छोड़ दें, बल्कि कहा कि दुरूद को हथियार बना कर दिया। आप तजर्बा करके देख लो, कितनी ही परेशानी और मुसीबत में फंस जाओ, उसके बाद आप दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दो, अल्लाह ताला नजात अता फरमाए। अल्लाह को अपने महबूब से मोहब्बत की खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। का सोहबत का दीन मजबूत होता है, इसलिए सोहबत की तालीम दी जाती है कि अल्लाह वालों के पास रहो, अहले दिल के पास रहो, अहले दिल के पास रहो, इसलिए कि दिल ये शेरगाह इलाही है। हमने अपने दिल को अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह का एहसान मानो दोस्तों और नौजवानों और बुजुर्गों, अल्लाह का एहसान मानो कि उस अल्लाह ने दिल की हालत को छुपा कर रखा है। अगर अल्लाह इस दिल की हालत को खोल दे तो हम पर कोई थूकने के लिए राजी ना होता। इतना गंदा कि कूड़े करकट की जगह इससे ज्यादा बेहतर मालूम होती, जहां लोग कचरा फेंकते हैं उससे ज्यादा गंदा जो है वो दिल बन चुका है। इसलिए अहले दिल की सोहबत में रहो, दिल बनेगा तो इंसान बनेगा। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर दिल किसका होगा। आपकी सोहबत इख्तियार कराई और कहा कि सहाबी का मकाम दे दिया, अब सारी दुनिया के कुतुब और अब्दाल मिलकर कहा कि उनके मकाम तक नहीं पहुंच सके। अब सोहबत का दीन मजबूत होता है। ये सोहबत मेरा चंद दिन गुजर गए नौजवान के, हफ्ता गुजर गया, दो हफ्ते गुजर गए, महीना गुजर गया, अल्लाह वाले दिल को साफ करने के लिए जिक्र बताते हैं, फिर उसके बाद तस्किया करते हैं, फिर चिल्ला कशी करवाते हैं ताकि आदमी अल्लाह को पाले। अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अल्लाह को नहीं पाया तो सब पाकर भी कुछ नहीं पाया। सारी दुनिया है लेकिन अल्लाह को पहचान नहीं है, अल्लाह की पहचान नहीं है तो कहा कि इसके पास कुछ नहीं। हम अल्लाह को पहचाने तो खैर, चंद दिन गुजर गए, उसके बाद वो दोस्तों वापस तशरीफ लाए, कुछ पैसा कमा कर लाए थे, पैसा चीज ऐसी है ना कि इंसान देखता है उसकी तरफ राजीब हो जाता है। मैं अक्सर कहा करता हूं हंसी मजाक में, ये गांधी जी हंसते ना बहुत करामत बताते हैं, हर टेबल पर रखो काम हो जाता है, इनके हंसने से हमारा काम हो जाता है। अरे फोटो में हंसते देखा कि नहीं तुमने,
हम तो नहीं देखते हो आइए, मेरे को देखना पड़ती है। तो उसके हंसने से काम हमारा हो जाता है। अभी ये कमा कर लाए ना, कमा कमा कर पैसे लाए। वो फकीर बेचारा दरवाजे पर गया, दस्तक दी, लड़की थोड़ी सी टोटली थी तो उसने कहा क्या मांगते हो, कमा कर गाओ। तो फकीर कहने लगा कहीं नहीं टमाटर ही दे दो, खाना तैयार नहीं करो। उसने कहा टमाटर खाओ, कहा भाई टमाटर ही दे दो। फिर उसकी माँ ही, उसने कहा जाने भाई ये यूं कहती है टोटली ये कमा कर खाओ, तू कहता है टमाटर दे दो। अब ये कमा कर आए, अब जब उनके पास पैसा देखा तो इसका भी दिल ललचा गया। इसलिए कहते हैं ना अल्लाह वालों की सोहबत को लाजिम पकड़ना पड़ेगा, बकौल हकीम अख्तर साहब के, कि आदमी की आदतें खत्म नहीं होती, जाहिर नहीं होती। एक आदमी को बुरी आदत लग गई तो कहा कि अब ये आदत अल्लाह वालों के पास जाने के बाद खत्म और जाहिर नहीं होती, बल्कि इस पर अच्छी आदतें गालिब आ जाती है, नतीजे में बुरी आदत मगलूब हो जाती है। जिस दिन ये अल्लाह वाले की सोहबत को छोड़ेगा, उनके बताए हुए अस्कार और वजाइब को छोड़ेगा, उस दिन ये आदत दोबारा मगलूब हो जाएगी और बुरी आदत गालिब हो जाएगी। जाहिली होता बस ऊपर नीचे होता है। अब इसने देखा नौजवान ने, ये लोग पैसा कमा कर आए हैं, थोड़ा सा दिल ललचा गया, दराहिम लेकर आए, सोने के सिक्के अशरफिया लेकर आए, हम तो बहुत कमा कर आए, यूं बेचा यूं खरीदा, इधर का बेचा उधर खरीदा। अब ये थोड़ा दिल अफसुरदा होने लगा, अल्लाह वालों पर दिल की बात खुल जाती है कभी कभी, खोल दी अल्लाह ने बात। पहले दिन दर्श दिया, कहा कि बेटा अगर इस्तिंजा करने जाना हो तो पानी लेकर जाना पड़ता है, अगर पानी मयस्सर न हो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में कच्चा ढेला जो है और कच्ची मिट्टी का ढेला जो है, जो दीवार में जड़ी हुई न हो और पक्की चीज यानी कि जो पानी को जज्ब करे ऐसा ढेला, उससे जो है वो इस्तिंजा साफ कर सकते हैं, चाहे बड़ा पाखाना किया हो या छोटा पेशाब किया हो। अब ये मसाइल समझ रहा था अल्लाह वाले के पास। और दूसरे दिन इसके दिल की बात जो थी कि ये लोग गए तो सोने के सिक्के कमा कर लाए, अब ये समझा रहे हैं अल्लाह वाले, कहा कि ये कच्चा ढेला इस्तिंजा साफ कर सकता है और पाक कर सकता है, लेकिन सोना अगर कोई इस्तेमाल करे इस्तिंजा साफ करने के लिए तो कहा कि पाकी हासिल नहीं होगी। अब तीसरे दिन हजरत ने जो है वो इसको यूं कहा, जब उसके दिल में बात आई और दिल अफसुरदा होने लगा कि काश कि मैं भी इनके साथ चला जाता तो मैं भी कुछ पैसे कमा कर लाता, कुछ रुपये कमा कर लाता। इसके लिए कि पैसा जो है ना, वो बोलता भी ना, पैसा बोलता है। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं सुना, कि हमने सुना है। चलो भाई सुना है तो मान लेते कि बोलता है। एक बहुत अकलमंद आदमी था, मशहूर था उसके बारे में कि बहुत हाजिर जवाब आदमी है। बादशाह सलामत ने बुलाया और एक अशरफी डाली और यूं कहा कि इसकी तारीफ करना शुरू कर। तो उसने तारीफ करना शुरू की पैसे की और यूं कहा तू कितना अच्छा है, तू जिसके पास होता है लोग उसकी इज्जत करते हैं। हाँ, हर दुनिया में जो लोग सलाम मारते हैं वो पैसों को सलाम मारते हैं। अकलमंद और होशियार आदमी हो तो पहचान लो अपने आप को, हम अपने आप को पहचाने
हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते नहीं, हुब्बे जान बहुत बुरी चीज है, लेकिन वो बहुत कम लोगों में मिलती है हुब्बे माल, लेकिन हुब्बे जान ये हर एक में मिलती है। गरीब से गरीब आदमी में भी हुब्बे जान होती है, और मिजाज मोहम्मदी ये है कि हुब्बे जान से अपने आप को दूर रखा, इतना दूर रखा कि कोई बच्चा अगर हुजूर के पास आकर कोई सवाल करता, हुजूर उसको भी तवज्जो से सुनते। अगर कोई बच्चा आपको कोई दावत पेश करता, आप उसे भी कबूल फरमाते, उसके इलाके के बड़ों को नहीं बुलाते। ये मिजाज मोहम्मदी है, और मिजाज दज्जाल ये है कि अपनी शान को बाकी रखे। आज ये भी कह दो, ये मिजाज दज्जाली है और मिजाज मोहम्मदी अलग है। खैर, अब उसको समझाया तो उस अकलमंद ने कहा, तू इतना अच्छा है कि जब तू किसी के पास आता है लोग उसकी इज्जत करते हैं, तू इतना अच्छा है भाई भाई को हदिया दे तो आपस में मोहब्बत हो जाती है, तू इतना अच्छा है कि किसी को हदिये में पेश करे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, तू इतना अच्छा है कि किसास के बदले अगर कोई रकम दी जाए तो जो है वो मक्तूल के वरसा हमें माफ कर देते हैं, यहाँ तक कि उसने इतनी तारीफ की, आखिर में यूं कहा, लौला तुका लपैसा अल्लाह जल्ल जलालहू, अगर मुझे अल्लाह का खौफ न होता तो तुझी को मैं अल्लाह कह देता। बादशाह ने डाल ले जा, फिर दूसरी अशरफी डाली और कहा कि अब इसकी बुराई बयान कर। उसने कहा, तू तो इतना खराब और इतना बेकार है कि जिसके पास जाता है उसको तकब्बुर में दाखिल कर देता है, फिर वो कोई को देखता भी नहीं, छाती फुला के चलता है, रिश्तेदारों से मिलता भी नहीं। हाँ, इसलिए शायर ने कहा है, कितना कमजर्फ है ये गुब्बारा, चंद फूकों में फूल जाता है, कमीना जब उरूज पाता है तो अपनी औकात भूल जाता है, फिर आदमी आपे से बाहर हो जाता है। खैर, अब ये बुजुर्ग उसको समझाने लगे, उसके बाद कहा अचानक के जाओ हमारे लिए ढेला लेकर आओ, हमें इस्तिंजा जाना है, बहुत देर हो गई। वो नहीं आया, आवाज दी, भाई कहां चले गए? कहा कि हजरत ढेला तलाश कर रहा हूं। कहा बड़ी देर लग गई, अब तक ढेला नहीं मिला। कहा क्या ढेला मिलता हजरत, जहां ढेले को देखकर हाथ लगाता वो सोना बन जाता। अब आपने कहा सोने से इस्तिंजा तो साफ होता नहीं, तो कहा यही बात तो मैं समझा रहा हूं, मैं तुझे वो दे रहा हूं कि तू मट्टी पर हाथ रखे और सोना बन जाए, और वो लोग तुझे वो दिखा रहे कि वो कमा कमा कर और मेहनतें करके थोड़ा सा सोना लेकर आए। कहा कि मैं तो तुझे सोने की खान सिखा रहा हूं, अल्लाह इतना देते हैं, इसलिए घबराओ मत कि हम अल्लाह अल्लाह में लग जाएंगे, हम पंच वक्ता नमाज में लग जाएंगे और तस्बीह तिलावत में लग जाएंगे, अल्लाह को याद करने में लग जाएंगे तो कमाएंगे कम तो फिर खाएंगे कैसे? नहीं अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब की रोजी की जिम्मेदारी ली है, और ये बात पक्की है, अगर हम अल्लाह पर जैसा तवक्कुल करना चाहिए ऐसा तवक्कुल करें तो अल्लाह ताला ने आज तक किसी को दुनिया में भूखा नहीं रखा। अल्लाह हर एक को खिलाते हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज इल्ला अलल्लाह रिज़्कुहा। ये अलग बात है कि किसी को सूखी रोटी खिलाते हैं, किसी को गीली खिलाते हैं, किसी को बेहतरीन खिलाते हैं, ये तो नहनु कसमना मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। कहा कि हमने दुनिया की जिंदगी को बरतने के लिए तुम्हें दिया है, किसी को कम किसी को ज्यादा, वो सारा का सारा कहा कि हमारे निजाम अमल में है। ये कोई कहां के बढ़ोतरी की चीज और कोई फखर की चीज नहीं है कि इसको इतना दिया और इसको कम दिया, नहीं, कहा कि ये चीज तो हमने लोगों के दरमियान तकसीम कर रखी है, हम
किसी को कम देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं, उसको ज्यादा में भी आजमाते हैं, उसको कम में भी आजमाते हैं, किसी को फकीरी में, किसी को अमीरी में, ये हमारी आजमाइश की चीज है। इसलिए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत है इस बात की कि हम इस दुनिया को चाल चलाओ समझे, इस दुनिया को आने जाने की चीज समझे कि ये दुनिया आनी जानी है और इसकी हर चीज आनी जानी है। जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखे। कहा कि जितने यहाँ आए हैं वो जाने के लिए आए हैं, चाल चलाव में आए हैं। इसलिए हम फिक्र करें, कोशिश करें कि हम अपने आप को ऐसा बनाए कि हम अल्लाह को भा जाए। दोस्तों और बुजुर्गों, हम जो है अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं, और कहा कि अल्लाह का हुक्म हुआ हम आ गए, जब अल्लाह का हुक्म होगा यहाँ से चल देना पड़ेगा, हमारी मर्जी कोई शामिल हाल नहीं होगी। इसलिए आज नियत करो, इरादा करो कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए, अल्लाह अल्लाह में, अल्लाह की बंदगी में लगाएंगे। जिंदगी बनाए बंदगी सर अब गंदगी, अगर जिंदगी में अल्लाह की बंदगी नहीं है तो दोस्तों की जिंदगी ये जिंदगी नहीं है। ये तो एक कहा के गुजरगाह है और कहा के आदमी काट रहा है, जिंदगी बना नहीं रहा है। आज हम सब जिंदगियों को काट रहे हैं, जिंदगी को बनाने की फिक्र नहीं करते। अफसोस होता है, क्या बड़ा क्या छोटा, बस हर एक अपनी जिंदगी से गाफिल। ओ दोस्तों, ये जिंदगी गफलत के लिए नहीं है, ये जिंदगी तो बहुत कीमती है। ये जिंदगी एक दफा मिली है, फिर दोबारा किसी को नहीं मिलेगी। फिर आदमी तड़प कर कहेगा, ए अल्लाह एक दफा मुझे लौटा दे। रब्बना अबसरना वसमीना फर्जीना नामल सालिहा, एक दफा अल्लाह लौटा दे, मैं अच्छे अमल करके आऊंगा। अल्लाह कहेंगे अब वो वक्त खत्म हो गया, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। इसलिए एक तो हम अपने आप को बनाकर अल्लाह को पसंद आ जाए ऐसी जिंदगी गुजारे, नमाजों का एहतेम। हमारा चाहता क्या है? एक मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत मुझे याद आई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़ा ताज्जुब होता था, कई साल पहले इस रिवायत को पढ़ी थी कि ऐसा भी होगा, लेकिन आज पता चलता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी उम्मत पर एक फितना आएगा कि उम्मत में लोग जो है नमाजें छोड़ देंगे। क्या ऐसा भी होगा? आज देखो आप, अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी नमाजों को छोड़ दी। अल्लाह का हुक्म है। और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप थोड़ी देर सोचो, गौर और फिक्र करो कि अल्लाह ने अगर हमें ये हुक्म दिया होता ये जिंदगी के बदले में कि आपको 2 घंटे का सजदा करना है तो हमें छुटका नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने जितना पजल किया कि दिन भर में 5 नमाजें वो भी वक्ते से और टाइम की पाबंदी के साथ रखी, ताकि इंसान अपने टाइम की पाबंदी करने वाला बन जाए। कितने मुख्तसर नमाजें, लेकिन अफसोस सद अफसोस, माफ करना बुरा लगे तो माफ करना, दोबारा माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं कहने पर मजबूर हूँ, मुझे हक है और मुझे जो है वो आजादी है कि मैं सुनाऊं बिलाल अजानी, और कहा कि मैं आपको कहूं ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाऊं। मुसलमान शायद नमाज भी पढ़ता है तो 4 वक्त की नमाज समझता है और 5वीं फजर की नमाज छोड़कर सोता है, उसके बाद समझता है मेरे हालात ठीक हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता। ये तो एक पागलपन है इंसान का कि वो यूं समझता है मेरे हालात सही हो जाए। नहीं, नमाज अल्लाह का ऐसा हुक्म है कि जब आदमी जमीन पर नमाज छोड़ता है आसमान पर अल्लाह का अर्श हिलता है। लेकिन आज इसको हम गुनाह नहीं समझते। अरे मेरे और आपके आका ने तो फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। बाज़े उलमा का मसलक है
फुकाए अहनाफ के अलावा दूसरे फुकहा ने लिखा है कि अगर बेनमाजी मरा है उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दाखिल भी मत करो। इसलिए बड़े पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौस समदानी कुतुब रब्बानी ये हम्बली मसलक से थे। आप फरमाते थे जो नमाज न पढ़े मेरे नजदीक वाजिबुल कतल, उसकी गर्दन मार। अब बहुत से लोग उस जमाने में हजरत को पीर मानते ही नहीं थे। हाँ भाई, ऐसे पीर को कौन पीर माने जो यूं कहे नमाज न पढ़े गर्दन मारो। हाँ, कोई ऐसे पीर मिल जावे कि जो यूं कहे कि बस तुम तो सिलसिले में दाखिल हो जाओ, हम तुम्हें बख्शवा देंगे, ननीमा का घर है, हम तो करना ये पड़ेगा कि कभी कड़की होगी तो दो बार आ जाया करेंगे, नजराना ले जाएंगे, और कभी सहूलत होगी तो एक दफा आएंगे, नजराना ले जाएंगे, बाकी तुम्हारी टीवी तुम्हें मुबारक, तुम्हारी बेपर्दगी बना तुम्हें मुबारक, ये सब तुम्हें मुबारक, हमें इससे क्या लेना देना। तो ऐसे पीर को शॉर्टकट से जन्नत में जाना हर एक को चाहिए। अहले सुन्नी वल जमात के हमारे नौजवानों को शॉर्टकट बहुत पसंद है, नारे लगाओ और जन्नत में चले जाओ। हाँ, ये हमें गुमराह किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप सही तालीमात को समझो कि क्या है हमारे यहाँ अहले सुन्नी वल जमात के तरीके में। अहले सुन्नी कौन? बड़े पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौस समदानी कुतुबे रब्बानी ने अपनी किताब में लिखा है अहले सुन्नी कौन। पहली अलामत ये लिखी है कि जिसकी पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो। खैर, आज लंबी मजलिस हो गई इसलिए अब इसी पर बात को खत्म करते हैं, कभी किसी और मौके पर। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, कहा अपनी नमाजों का एहतमाम करें, पंज वक्ता नमाज का एहतमाम करें, बल्कि मैं तो अपने साथियों को कहता हूँ छह वक्ता नमाज का एहतमाम करें कि तहज्जुद का एहतमाम करें। बड़ी शराफत वाली, बड़ी करामत वाली। मेरे वालिद मेरे शेख यूं फरमाया करते थे, बेटा जिस दिन तहज्जुद में मजा आना शुरू होगा बीवी के मजे भूल जाएगा। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जिंदगी इसलिए है, ये जवानी इसलिए है कि हम अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जोड़े, अपने ताल्लुक को मजबूत बनाए। मेरा अल्लाह के साथ मेरा इतना ताल्लुक है जितना एक बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है, कि बच्चे को पता है मैं रोना शुरू करूंगा और मेरी माँ जो है मेरी जिद पूरी कर देगी। ये ताल्लुक मेरा हो कि मैं जमीन पर आंसू बहा दूं, अल्लाह का अर्श जो है वो कांप जाए और अल्लाह जो है मेरे बिगड़े हुए काम को बना दे। इतना ताल्लुक मेरा अल्लाह के साथ होना चाहिए। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, एक काम तो कहा कि पंज वक्त नमाज का एहतमाम, इबादत का तिलावत का एहतमाम, और इसके अलावा दूसरों की जन्नत बनाने की फिक्र करना। हाँ, ये तो ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों का काम था, अपनी तस्बीह अपनी तिलावत अपना रोजा अपनी नमाज अपनी मजलिस अपने बयान पर खुश हो जाते। और मोहम्मदी मिजाज क्या है? कहा कि खुद भी जन्नत में जाएंगे और सारी इंसानियत को जन्नत में लेकर जाएंगे। सारी इंसानियत तो हमें क्या है, हमारी जन्नत में कोई कमी थोड़ी होगी। जितनी हमें देनी है उतनी तो मिलेगी, उनको भी मिलेगी, तो अपना जाता क्या है। किसी सखी के यहाँ हजार हजार रुपए तकसीम होते हैं तो लोग क्या करते हैं, कहा तू भी जा, अपना क्या बिगड़ेगा, हजार आए या दस हजार लोग जाए, सबको मिलना हजार है, अपनों को भी मिलेंगे, जन्नत अपनों को भी मिलेगी और सबको मिलेगी। कहा इसकी फिक्र भी मुझे और आपको करना है, ये मिजाज़े मोहम्मदी है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हम जो है वो फिक्र करें अपने आप को बनाने की, और दुनिया के इंसान कहाँ के राह हक पर आ जाए इसकी फिक्र भी मेरे और आपके जिम्मे है। इसलिए ये मुख्तसर मजलिस होती है, महल्ले के लोगों को हम मौतबाना दरख्वास्त करते हैं। इसके लिए आज हम गए भी थे कि सब नौजवान मिलकर एक फिक्र करें, एक कोशिश करें। बाहर के लोग आते हैं, बड़ी जो है वो दुख की बात है कि बाहर के लोग आते हैं, मैं तो खाली आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है,
लेकिन जो है वो दूसरे लोग आते हैं, महल्ले के बच्चे नहीं आते, महल्ले के जवान नहीं आते। दोस्तों और बुजुर्गों, ये बहुत दर्द की बात है। महल्ले वाले फिक्र करें कि जो है वो सिर्फ ये मजलिस के लिए नहीं, मैं अपनी दावत नहीं देता, अल्लाह माफ करे, लेकिन नमाजों के लिए हम अपने साथियों को तैयार करें कि देख भाई मरना है, मरकर अल्लाह के सामने खड़ा होना है। हमें 5 वक्त मौसिन पुकारता है तो हम अल्लाह के सामने खड़े हो, अल्लाह की दरबार में जाए, अल्लाह के दरबार में आएंगे, अल्लाह चैन सुकून अमन अमान राहत देंगे। कोई इसलिए नहीं कि आप इस मजलिस में इनको लाओ और जो है वो नहीं, मैं इसकी दावत भी नहीं देता आपको, लेकिन कहा कि हम अपने भाइयों को नमाजी तो बना दें, कम से कम नमाजी तो बना दे। कोई नमाज नहीं पढ़ता, अगर हमको पता है तो उसके हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर, माफी मांगकर, उसको कुछ खिला पिला कर भी उसको नमाजी बना दे। उम्मत का दर्द हम लोग अपने दिलों के अंदर, एक पठान साहब थे, वो आया करते थे, हजरत जी मौलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते चचा, नमाज पढ़ो। तो कहा मैं नमाज तो पढ़ लूं, लेकिन कहा कि मैं ये जो अमामा इतना बड़ा लगाता हूँ, कहा कि ये इतना बड़ा अमामा मुझे छोड़ना पड़े और फूल निकालना पड़े, फिर वुजू करना पड़े, फिर वो इमामा बांधना पड़े, ये मुझसे नहीं होगा, मैं वुजू नहीं कर सकता बगैर वुजू के नमाज पढ़ूंगा। देखो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कितना गम था उम्मत का कि हजरत ने बहुत समझाया, जब नहीं माने तो यूं कहा कि आप बगैर वुजू ही के नमाज पढ़। उसने पक्का आदमी था, पठान था मेरे जैसा, उसने फौरन डायरी निकाली और कहा तुम लिख के दो के बगैर वुजू के नमाज हो जाए। अब एक को हमने कहा नमाज नहीं होगी, तो क्यों, हमने तो पढ़ के देखी हो गई, हमने क्या कहते हैं पढ़ के देखी हो गई। मैंने कहा भाई बगैर वुजू के नहीं होती, कि हमने पढ़ के देखी हो गई। अब उसने भी डायरी निकाली, हजरत ने लिख दिया, लेकिन वो तो पढ़ना भी नहीं जानता था, क्या लिखा क्या नहीं क्या पता, उसने रख दिया। एक मरतबा एक मुफ्ती साहब ने देखा बगैर वुजू के नमाज पढ़ते हुए इनको, तो कहा बड़े मियाँ आप इस्तिंजा से निकले, वुजू किए बगैर नमाज पढ़ने लग गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपनी डायरी निकाल कर दिखा दी, तो उसमें लिखा था बंदा मोहम्मद इलियास कांधलवी की तरफ से, मैंने बड़ी मन्नत समाजित करने के बाद इस बड़े मियाँ को बगैर वुजू के नमाज पर तैयार किया है, आमदा किया है, जिसको भी ये मिले वो इनकी तश्कील कर कर इनको वुजू वाली नमाज सिखा दे। दोस्तों और बुजुर्गों, उम्मत का दर्द पैदा करो, उम्मत का गम पैदा करो। मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नवासे रसूल हजरत हुसैन फरमाते हैं, आप हमेशा लंबी गौर और फिक्र में रहते थे कि मेरी उम्मत का क्या होगा, उम्मत का क्या होगा। अब हुजूर वाला दर्द और गम हम अपनाएंगे, अल्लाह ताला मकबूलियत भी देंगे। मशहूर होना कोई बड़ी बात नहीं है, मशहूर तो जो है वो बड़े बड़े हरामी भी है। हाँ, मशहूर होना, कोई मकबूल होना, इंदल्लाह मकबूल हो जाए बंदा, बंदे को इतना ताल्लुक हासिल हो जाए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो ये कहे कि क्यों अल्लाह मेरा काम नहीं करेंगे, मैं अभी आंसू बहाऊंगा, अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर फैसले करेंगे। मेरे दादा पीर मुंशी जी अल्लाह जिंदा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वालिद मोहतरम मेरे वालिद मेरे शेख ने सुनाया, कहा कि जब भी कोई मसला अटकता था हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब बुलाते थे और कहते थे मुंशी जी हमारा ये मसला अटका है, कल ये मसला हल होना चाहिए। कहा मेरे वालिद कहते हैं खूब मैंने देखा है मेरे पीर को कि मुंशी जी तहज्जुद में आते और कहा कि अपने आप को बांधते रुमाल से और यूं कहते ए अल्लाह जी ये मसला है, ये हल नहीं होगा तो यूसुफ डंडे से मेरी खबर लेगा और यूसुफ डंडे से खबर लेगा तो आपको अच्छा लगेगा। कहा जब ये जुमला कहते थे अल्लाह ताला सुबह में उस काम को बना देते थे। एक दफा अचानक कहने लगे, मेरे वालिद फरमाते कहने लगे सरदार 68 की रेल आई तुम्हारे यहां,
कोई अल्लाह वाला था ही नहीं जो इस रेल को रोक देता। ये तो अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाना पड़ता है, अपने आप का ताल्लुक अल्लाह के साथ बनाना पड़ता है। फिर फरमाते मुर्शिद जी, मेरे दादा पीर, जिस कीमत पर चाहो अल्लाह को अपने साथ कर लो, फिर वो जात वो करेगी जो तुम चाहते। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अपने आप को अल्लाह के हवाले करो तो अल्लाह हमारा हो जाएगा। जब अल्लाह हमारा होगा तो सारी दुनिया हमारी है। इसलिए अल्लाह ताला इन्हीं चंद कलिमात पर, यही कुछ बुनियादी बातें हैं, यही मुजाकरे के लिए हमें हमेशा जमा होते रहना है। इसलिए कोशिश करो, इरादा करो कि आइंदा भी हम जमा होते रहेंगे और दूसरों को लेकर भी आएंगे, और खुसूसन नमाज पर सबको जो है वो जमा करेंगे। अगर हम नमाजी भी बन जाए तो बहुत है अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसलिए इतनी मेहनत, इतनी फिक्र हर शख्स को करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अब की तौफीक अल्लाह फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही وميداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم ظلمنا أنفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مالک دنیا میں بڑوں کی تعریف کا مطلب ہی صورت سوال ہوتا ہے، بھیک مانگے فقیروں کی عادت ہوتی ہے، جھولی پھیلانے والوں کی عادت ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، جوس مارواڑی بھی انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی، آپ کے نبی پر درود پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، بھیک مانگنے کے لیے یہ مالک امت کی کشتی بھنور میں آ چکی ہے، باقی اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی کوئی سانے ہاتھ نہیں ہے، ہمارا کوئی معاون نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا کوئی مشیر نہیں ہے۔ اے کریم آقا، اگر آپ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں، زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ آپ بھی گھر ہمیں ٹکرائیں گے، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ مالک اپنی ربی تائیدوں کو امت کے ساتھ کر دے، اپنی ربی نصرتوں کو امت کے ساتھ کر دے، امت کو پھر سے بنوانے کا اور چمکانے کا فیصلہ فرما دے۔ حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، آپ تسلی دیا کرتے تھے، آپ آیتیں اتارا کرتے تھے، حضور بھی اور اس امت کے غم میں رونے والے تھے، اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ امت تو یتیم در یتیم ہو چکی ہے، بیوی کے مرنے پر، بچے کے مرنے پر، مکان کے جلنے پر، مکان کے ٹوٹنے پر، دکان کے ٹوٹنے پر ہچکیاں مار مار کر لوگ روتے ہیں۔ اے کریم آقا، افسوس افسوس، اس امت کے غم میں رونے والوں کی کمی ہے۔ اے مالک، ایسے مردوں کا وجود
हर खिते के लिए अता फरमा, हर जजीरे के लिए अता फरमा, हर मुल्क के लिए अता फरमा, हर मस्जिदवार जमात के लिए अता फरमा, जो दिन में तेरे बंदों के पीछे मेहनत करते हो, अपनी दुनिया को लोगों की आखिरत के बनाने के लिए उजाड़ देते हो और रात में तेरे सामने गरम गरम आंसू बहाते हो, ऐसे मर्दों का वजूद हर कबीले के लिए अता फरमा, हर खानदान के लिए अता फरमा, ऐसे लोग हमारे खानदान में पैदा फरमा, हमारे रिश्तेदारों में पैदा फरमा, हमारे खानदानों में पैदा फरमा, हमारी पूरे आलम में ऐसे मर्दों का वजूद अता फरमा। ए करीमा का जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल और तय रिस्क नसीब फरमा, बेजोड़ों के लिए नेक साले जोड़ों का इंतजाम फरमा, जिन जोड़ों में तोड़ है आफियत के साथ जोड़ की शक्ल सूरत पैदा फरमा। ए करीम आका जो जिस लाइन की इब्तला में मुब्तला है उससे उसको नजात अता फरमा, उससे उसको नजात अता फरमा, मकरूजीन के कर्जों की अदायगी की गरज से शक्ल सूरत पैदा फरमा। ए करीम आका जितने लोग जो है वो यहाँ हाजिरीन मजलिस है और जितने आते रहते हैं मोहब्बत रखते हैं, एक करीम आका सब की जायज हाजात को पूरा फरमा दीजिए। एक करीम आका आप सबको सबका मांगा हुआ सब दे दे, तब भी आपके खजाने में तो कोई कमी नहीं आएगी। हमारा खजाना कम हो जाता है, आपका खजाना तो कभी कम नहीं होता। एक करीम आका आप सबको नवाज देने का फैसला फरमा, इस मजमे के एक एक फर्द को अपना वली बना, अपना मुकर्रर बना, अपना शहीदा बना, अपना दाखला बना, अपने नाज़ुल ख़ान बंदों में इन करीम आका अपने यहाँ तो नबूवत और सहाबियत का ही दरवाजा अपने बंद किया है, बाकी विलायत के तमाम दरवाजे खुले, सबको विलायत दे देने का फैसला फरमा, सबको अपना मुकर्रर बना लेने का फैसला फरमा, सबको अपने महबूब बना लेने का फैसला फरमा। ए करीम आका हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे बेइंतहा अता फरमा, आप खुश होकर अता फरमा, छांट कर अता फरमा। करीम आका बातिल की तमाम ताकतों को अपनी कुदरत से सरनगुम फरमा, इनमें इंतशार और फूट डाल दे, इनमें अदावत और दुश्मनी भी डाल, इनकी जमीयत और जत्थों को तोड़ दे। ए करीम आका जिनके मुकद्दर में आपने हिदायत लिखी है, उनके जरिए से इस्लाम को परवाज़ चढ़ा दीजि
अपनी हिदायत के रास्तों को कुशादा फरमा दीजिए। मुल्क हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हिदायत पर आए, ऐसी राह आफियत के साथ कुशादा फरमा दीजिए। ए करीम माता, इस महल्ले को कबूल फरमा लीजिए, इसके एक एक मर्द को, औरत को, सबको कबूल फरमा लीजिए। इन भाइयों ने जो भी दिलों में इरादे किए हैं, बात सुनकर ए करीम माता उनको अपने इरादों पर मजबूत फरमा दीजिए। ए करीम माता, पंजवक्ता हमें नमाजी बना दीजिए। ए करीम माता, हमें तेरे घर के पास रहने वाला और तेरे तुझसे तेरी इबादतों में लगे रहने वाला बना दीजिए। ए करीम माता, तुझसे मिलने का, तुझसे मुलाकात का शौक अता फरमा दीजिए। ए करीम माता, हमें मांगना नहीं आता, हमें मांगे हुए इंतहा अता फरमा, खुशों का अता फरमा, चाक कर अता फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी, हम भी आपसे तलब करते हैं, वो तमाम खैर अता फरमा। जितने शुरू से पना चाहिए, हमें पूरी उम्मत को पना नसीब फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में चारों सिलसिले के लाखों अलिया कामिलीन और किराए तरीकत और बुजुर्गा ने दी और सर और सालिहीन के वसीले की बरकत से अपनी बारगाह में अपने कर्म से अपने से अपनी अता से कबूल और मंजूर फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल लदीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर रहीम।